हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास राहुल। और भाई आज अपन अपनी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम है वो अपग्रेड करवा रहे हैं, उसमें स्पीकर लगवा रहे हैं फ्रंट एंड रियर के अंदर। और मैं यहीं से आया हूँ भाटिका डेकोर, जो अशफाक भैया है। और अशफाक भैया अभी उसके गेट ओपन कर रहे हैं, जो डोर के ऊपर पैनल होता है उसको ओपन कर रहे हैं, जिससे कि वो मतलब स्पीकर लग पाए। और मैं आपको तो दिखाता हूँ क्या प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे, तो आइए। और यार ये वीडियो तो हो गए 4-5 दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया था बीच में, तो आज टाइम मिला है तो आज ये वीडियो अपन डालेंगे। भाई तो भाई देख लो, बैलेरिनो के डोर ऐसे ओपन होता है, ये पैनल जो होता है। तो भैया इसमें क्या क्या सेफ्टी रखनी पड़ती है थोड़ा आप बताओगे, ये ओपन करते टाइम पैनल वगैरह इसके? इसको पैनल क्या बोलते क्या इसको ऐसे? डोर प्लाई। डोर पिराई, ओके। इसके क्या लॉक वगैरह सही से निकालना पड़ता है, जो लॉक्स होते हैं ना। हाँ ये टूट जाता है, मैंने सुनने में आया अपन खींचते ना इनको, तो ये टूट सकता ही है, इनको बड़ा ध्यान से निकालना पड़ता है। क्या कंपनी एक जगह देती है, अगर अपन चेक कर लगा के निकालेंगे तो आराम से आता है। तो भाई देख लो, जिनके पास अगर बैलिन है तो देखो इन्हें पेचकस लगाया भैया ने, आराम से आ गया बाहर निकल गया। कई लोग के ऊपर से खींचते तो वो गलत चीज़ है, वो एक भी लॉक नहीं देता। सब लॉक सही है, देख लो भाई सब लॉक सही है एकदम। भैया वो ये देख लो बैलिनो के जो कंपनी फिटेड आते हैं ये स्पीकर, ये तो शायद 200-150 वॉट के होते हो गए ना, अभी पता चलेगा। अपना जो वाला बनाया था ना वीडियो फिल्म का टेंट का फ्रंट है, 52,000 हो गए भी उस पर। तो भाई ये भैया बताएंगे कितने वॉट के है, शायद अगर इसमें पीछे देखा होगा तो निप्पॉन कंपनी का है। निप्पॉन दिखाना मुझे कैमरे में, तो ये निप्पॉन कंपनी के है वॉट पे। वॉट तो इस पे करीबन ये 25 वॉट के आसपास है। 25? हाँ बस इतने आते हैं इसमें। अरे तो भाई ये 25 वॉट के है और अपन जो इसमें लगवा रहे हैं वो 350 वॉट और 300 वॉट के। और ये पीछे का भी डोर का प्लाई ओपन कर दिया भैया ने। सिर्फ अभी बचा ये वाला डोर का प्लाई, उसके बाद लगेगा स्पीकर। भाई आपको स्पीकर दिखाता हूँ, ये कौन से लगवा रहा हूँ। तो ये कुछ करके स्पीकर है आप पाइनीर के, इस पर वो करता हूँ फोकस देता हूँ आता था। 350 वॉट और ये कंपोनेंट स्पीकर है जो कि अभी इंस्टॉलेशन होने वाली है इनकी। तो भाई जो कंपोनेंट स्पीकर लगवाते हैं उसके साथ एक क्रॉस ओवर आता है और ये आवाज़ को फटने नहीं देता, कंट्रोल करके रखता है। ये ऐसा कुछ आता है क्रॉस ओवर पाइनीर का के साथ। और ये भैया लगाने भी लग गए फटाफट, लगता है इसके बाद कोई और गाड़ी भी आएगी है मेरे पास। हाँ एक स्विफ्ट आने की है, स्विफ्ट आने की है। सुम्मी ला ली कुछ? हाँ था थोड़ी, तो सुम्मी लिया बस। उधर का भी ओपन हो रहा है स्पीकर, ये कंपनी फिटेड, ये पायनियर का स्पीकर।
भाई आसपास में कोई नहीं है, तो इसलिए भैया ने मास्क नहीं लगा रखा। आप ये मत बोलना वीडियो में कि मास्क नहीं लगा रखा, सोशल डिस्टेंस है और कोई नहीं है आसपास में, और मॉर्निंग का टाइम है। तो भाई अपने एम्प लगा हुआ था, तो इसमें हम उसकी दे रहे हैं फिटिंग वायरिंग। ये 4 चैनल एम्प है बॉस्टन का। तो भाई पीछे के भी हट गए स्पीकर, ये यहाँ पे लगा हुआ है कंपनी वाला, भी कंपनी फिटेड जो आते हैं। और ये अभी बेसकिप तो जो लगी थी पहले वही है। तो इन्फोटेक ओपन कर दिया भैया ने, अब इसमें कुछ वायरिंग वगैरह लगेगी। तो भैया को लगाने दो, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या कैसा क्या होता है। भाई बैक डोर में अपन ये वाले लगवा रहे स्पीकर, ये है 300 वॉट के, और इनका प्राइस भैया से पूछूंगा कि भैया कितने के लगे। बैक डोर में ये है और फ्रंट में कंपोनेंट स्पीकर है। तो भाई अभी प्लाई फिट हो रही है, तो भैया प्लाई ऐसे रखती है। और अभी करते एक बार बंद, तो भाई चेकआउट करते हैं इसका। तो भाई यहाँ पे ट्विटर लगे हुए थे अपने जो कंपनी से आए थे, बाकी एक ट्विटर फिट यहाँ पे करवाए हैं और एक ट्विटर इधर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मतलब इस तरफ से ही पे लगवाया है।
इनके अंदर स्पीकर आए गए, आगे 350 वाट है और पीछे 300 वाट है, बेस ट्यूब वो सेम। गाड़ी का काम हो चुका है और अभी हम फ्री हो गए इससे। तो भैया आपको बताएगा कि उनने फ्रंट में कौन से स्पीकर डाले हैं, बैक में, साथ में उनका प्राइस भी बताएगा। लेकिन भाई जो प्राइस है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, सेम नहीं रहते। तो आइए अशोक भैया। हाँ जी भैया, देखो इसके अंदर अपन ने कॉम्पोनेंट डाले हैं पाइनियर के, क्योंकि इससे क्या आवाज कंट्रोल रहती है कंपोनेंट से। नॉर्मल स्पीकर अपन डालते हैं ना तो एम्पलीफायर पर फटने लग जाते हैं वो। जो ये अपने कंपनी फिट स्पीकर आता है भैया, वो कितने वाट के रहता है? वो 25 वाट का आता है। तो भाई निप्पॉन कंपनी का होता है वो, निप्पॉन कंपनी। इसके अंदर मारुति के अंदर, स्विफ्ट में, बलिनो में, इनके अंदर सब में एक ही साइज के स्पीकर आता है निप्पॉन कंपनी का। अभी अपन ने कौन से, अभी अपन ने इसके अंदर 350 वाट कंपोनेंट डाले हैं पाइनियर के, जो कि इसमें आवाज कभी फटेगी नहीं। एम्पलीफायर से चलाया अपन ने उसको, और बास ट्यूब इसके अंदर JBL की है ही। और इसकी प्राइस जो है ना स्पीकर्स की अप्रोक्स ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अभी जो प्राइस है वो 4800 रुपये है इसकी। तो गाइस अभी आपने सुन लिया दोनों के प्राइस है, आगे पीछे के एक सेट, एक सेट, वन सेट, वन सेट 4800 का है और हमने जिसमें दो सेट डलवाए फ्रंट और बैक में। तो अगर आपको मतलब कभी जयपुर में कोई भाई लोग जयपुर से हैं आना हो तो इनके नंबर में इसमें डिस्क्रिप्शन और इधर नीचे आ जाएगा आपके। वैसे आपके नंबर भी इसमें भी आप बता दो एक बार। मेरा नंबर है 8955102030। तो भाई नंबर ही बहुत आसान है इनके, बिल्कुल आसान नंबर है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। बाकी मैंने आपको साउंड सुनाई दिया कैसा है, तो